स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही बताया था ठीक है ना तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तो और ये एक्स्ट्रा आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे फ्यूचर uh, में जब आप किसी और के सामने स्टैंड कर रहे होंगे और तब आप ही जवाब दे रहे होंगे कि मुझे तो पता है ट्रैकियल कैसे काम करती है मुझे तो पता है गिल्स कैसे काम करते हैं मुझे तो पता है डिफरेंस क्या है गिल्स और बुक गिल्स में ठीक है ना तो ये सब बातें आप वहां बता रहे होंगे और सामने वाला आपकी बातों को सुन रहा होगा और बस लाइफ में ऐसे अपने पॉइंट्स को बढ़ाते रहिए ठीक है फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूं आज के लेक्चर की तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूम ठीक है तो इससे पहले कि मैं ह्यूमन की रेस्पिरेशन की बात करूं ह्यूमन एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब है कि ह्यूमन जमीन पर रहने वाला एक जीव है ठीक है अब अगर मैं कंपेरिजन करूं बिटवीन टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो करते हैं कंपेरिजन ठीक है कंपेरिजन से पहले आप एक कॉन्सेप्ट बताओ मुझे ठीक है ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको देखिए मा चलो ये आप हो ठीक है और एक है आपका फ्रेंड ठीक है बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं ठीक है ये आप हो वाइट और आपका फ्रेंड येल्लो है आ, कोई भी ऑफेंस नहीं करेगा यहाँ पे कि कहीं बोल रहे तो येल्लो ही है तो मैं व्हाइट नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं बस कॉन्सेप्ट समझिएगा है ना हाँ जी अब यहां पर मैं खड़ा हूं ठीक है और हम लोग एक गेम खेल रहे हैं ठीक है गेम खेल रहे हैं हम लोग ये गेम ये है कि मैंने यहां पर सौ रुपये रखे हुए हैं और यहां पर सौ रुपये रखे हुए हैं और सौ रुपये से जो डिस्टेंस है आप दोनों की वो एकदम बराबर है ठीक है ना जितनी डिस्टेंस आपकी है सौ रुपये से आपके वाले एरिया में ठीक है ना ये मैंने बता दिया है यहाँ पर एरिया वन ठीक है और ये है एरिया टू ठीक है गेम को समझिएगा देखो रूल समझा रहा हूं ये मैं हूं ठीक है मैंने गेम स्टार्ट किया है आपके और आपके फ्रेंड के बीच में ठीक है और दोनों के ही एरिया में मैंने सौ रुपए रखे हैं और डिस्टेंस आपकी जितनी है सौ रुपए से उतनी ही डिस्टेंस आपके फ्रेंड की है सौ रुपए से ठीक है डिस्टेंस बराबर है मुझे पता है कि आप जितनी स्पीड से दौड़ते हो आपकी जो स्पीड है वो सेम स्पीड आपके दोस्त की भी है ठीक है अच्छा सब कुछ बराबर है आप पावर में बराबर हो हर चीज में बराबर हो ठीक है अब क्वेश्चन शुरू ये होता है यहां पर जो मैंने सौ रुपए रखे हैं वो मैंने रखे हैं इस तरह से लाइक इस तरह से रखे मैं बता रहा हूं किस तरह से रखे हैं ठीक है क्वालिटी से समझाएंगे आपको ये मैंने रखे हैं इस तरह से मैंने सौ रुपए इस तरह से रखे लाइक पचास और पचास के दो नोट रखे हैं ठीक है ठीके? और एक इस तरफ मैंने रखे दस रुपए चलो बीस नहीं दस ही कर देते ठीक है दस रुपए दस रुपए ऐसे तो दिक्कत में हो जाएगा ठीक है इस बॉक्स से बाहर निकल जाएगी चीजें हमें रखा बीस रुपए ठीक है बीस रुपये बीस रुपए बीस रुपए बीस रुपए ठीक है तो होगा क्या कि आप जो हैं, आप तो बस दो वाई रन करोगे मतलब एक चक्कर लगाया पचास ले आए ठीक है फिर दूसरा राउंड लगाया फिर पचास ले आए ठीक है आराम से ले आए आप एकदम आराम से कोई टेंशन नहीं हुई लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो जल्दी जल्दी करेगा ओ भाई मुझे उससे जीतना है वो एक राउंड लगाएगा फिर दो राउंड लगाएगा ठीक है फिर तीन राउंड लगाएगा फिर चार राउंड लगाएगा फिर पांचवा राउंड भी लगाएगा तो इस तरह से उसको सेम अमाउंट ऑफ मनी लेने के लिए आपके फ्रेंड को ज्यादा चक्कर लगाने पड़े और आपको कम चक्कर लगाने पड़े क्योंकि आप एक ही बारी में ज्यादा पैसे उठा पा रहे थे और आपका फ्रेंड एक ही बारी में कम पैसे उठा पा रहा था ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद से बनाया है ठीक है अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो यहां पर जो मैंने आपके फ्रेंड को यूज किया है वो एज तो चलो एक होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ठीक है organism, और एक होते हैं टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ठीक है organism, एक होते हैं Terrestrial organism, और एक होते हैं ठीक है है सी बात है, water के अंदर रहते हैं कहां रहते है? water रहते हैं हैं के अंदर और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है कौन सी फॉर्म में होती है dissolved form में. Form में. और टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहा रहते हैं जमीन पर रहते हैं और जमीन पर क्या होता है एटमोसफियर होता है एटमोस्फेर में ऑक्सीजन ट्वेंटी मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्म में नहीं है ऐसे ही है ठीक है आप उसको डायरेक्टली ले सकते हो अंदर अब देखो होता क्या है टेरिस्टल जो ऑर्जिम होते हैं वो एक बार में अगर मैं कंपेयर करूं एक्वेटिक ऑर्जिम से तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं एक सांस में जबकि एक्वेटिक ऑर्जिम एक बारी में उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं ले सकते जितना कि एक टेस्टियल ऑरिजम ले रहा है तो ऐसा होता क्यों क्योंकि डिसॉल्व जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है अगर उसकी जो परसेंटेज होती है वो कम होती है अगर मैं कंपेयर करूं उसको एटमॉस्फेयर से ठीक है अब यहां पर क्योंकि ज्यादा है तो आप एक बारी में ज्यादा ऑक्सीजन ले पाओगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है जबकि जो एक्वेटिक ऑरिजम है उनको ये ही सेम अमाउंट ऑफ अगर ऑक्सीजन लेनी है तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब ज्यादा मेहनत से मेरा मतलब यह है आप देखेंगे कि एक्वेटिक्स की जो हर्ट बीट होती है हर्ट बीट जो होती है वो फास्ट चलती है ठीक है और टेरिस्टिक ऑर्जिम की जो हर्ट बीट है वो क्या चलती है स्लो चलती है अगर मैं इसको कंपेयर करूं क्टिक से आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे कि के के जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो कम है ठीक है ना छोटे छोटे टुकड़ों में है ठीक है और टेरेस्ट्रियल टेरेस्टिंग के पास जो ऑक्सीजन है वो बड़े बड़े में मतलब बड़े बड़े परसेंटेज में ऐसे मान लो आप ठीक है तो टेरेस्ट्रियल टेरिस्ट्रियम को ज्यादा परेशानी नहीं होती है ऑक्सीजन अपने अंदर लेने में ठीक है उनकी हार्ट बीट भी स्लो रहती है जबकि जो एक्टिक ऑर्जिम होते हैं उनके अंदर क्या होता है हार्ट बीट फास्ट चलती है हार्ट बीट फास्ट चलने का रीजन क्या है और यहाँ हार्ट बीट स्लो चलने का रीजन क्या है वो आपको पता चल चुका है ठीक है ना क्योंकि यहाँ जो आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गजम है ठीक है ना टेरेस्ट्रियल ऑर्गिम है तो उनके पास सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच जाती है एक ही सांस में जबकि इधर में उतना नहीं पहुंचता है तो उनकी हार्ट बीट फास्ट रहती है और इनकी हार्ट बीट स्लो रहती है ठीक है आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फिलहाल अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को और तरासू और एनहांस करूं तो मैं एक क्वेश्चन के साथ इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा एनहांस करना चाहूंगा ठीक है अब मैं केस को बदल रहा हूं थोड़ा ठीक है फिलहाल आप इस केस को दिमाग में रखें और सेव कर लें इसका स्क्रीन ले लीजिए ठीक है और कॉपी के ना लास्ट वाले पेज पर लेना ये सब फिलहाल आगे चलते हैं अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर ऑक्सीजन सही अमाउंट में है तो हमारी हर बीट नॉर्मल रेट पर चलेगी तब क्या होगा जब हमारी ऑक्सीजन कम अमाउंट में होगी तब क्या होगा तो देखो ऐसा होता है जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं ठीक पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं तो होता क्या है जब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलता है अब ऑक्सीजन यहाँ कम मिल रहा है और ऑक्सीजन नीचे ज्यादा मिल रहा है ठीक है तो होगा क्या जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ पर जैसे जैसे चढ़ेंगे तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी हार्ट बीट क्या हो जाती है फास्ट हो जाती है तो हार्ट बीट का सांसों से बहुत ज्यादा रिलेशन होता है ठीक है ना अगर हमें ऑक्सीजन अच्छे मतलब सफिशियंट अमाउंट में मिल रही है तब तो हार्ट बीट नॉर्मल चलेगी और जैसे ही ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन uh, में कमी आएगी ऐसे ऐसे हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी ठीक है ना और मैंने एक कंपेरिजन किया था टेरिस्टियल का एक्वेटिक के साथ में कि एक्वेटिक्स की हार्ट बीट फास्ट क्यों चलती है ठीक है तो यहां से मैं एक क्वेश्चन पुट अप कर सकता हूँ कि बताओ बच्चों जैसे जैसे मैं एल्टीट्यूड पे चढ़ता हुआ चलूंगा मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरी हार्ट बीट फास्ट होगी या स्लो होगी और जब जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मेरी हार्ट बीट फास्ट होगी या स्लो होगी ठीक है ना ये क्वेश्चन आपको याद रखना है ठीक है अच्छा कई बार क्या होता है अगर मुझे किसी ऐसे रूम में बंद कर दिया जाए जहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है तो मेरा दम घुटने लगता है ठीक है बोलते हैं ना दम घुटने लग रहा है तो जब जब हमारा दम घुटता है तब भी हमारी हार्ट बीट क्या होती है फास्ट होती है है ठीक ना हार्ट बीट क्या होती है फास्ट होती है बुक्स में हार्ट हार्ट बीट को हर्ट रेट भी बोला हुआ है तो कंफ्यूज ना हो हार्ट बीट बोल दीजिए या फिर हार्ट रेट बोल दो ठीक है हालांकि इन दोनों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस समझने के लिए इलेवंथ क्लास में आना पड़ेगा और अगर ज्यादा ही अंदर चुल मचा हुआ है या फिर खुजली मची हुई है या फिर एकदम अनेस्टिवल बने हुए हो तो मेरे को बता दीजिएगा ठीक है कमेंट कर दीजिए कि सर बता दो तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा ठीक है फिलहाल आपको मैंने बस ये समझा है कि अगर हमें ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है तो हमारी हार्ट बीट सही चलेगी और ऑक्सीजन अगर हमारे नियमित अमाउंट से स्लो कम मिल रही है तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी ठीक है फिलहाल इसको हम आगे पढ़ते हैं ठीक है यहाँ तक पढ़ाना जरूरी था ठीक है और अब आगे चलते हैं ठीक है जी जी अब देखो मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन के रेस्पिरेशन की कि ह्यूमन कैसे कैसे रेस्पिरेशन करता है तो देखिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है ये पढ़ना ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा मेरे लेक्चर को ठीक है आई होप आप सुनेंगे अच्छे से और जैसे कि सुनते हुए आ रहे हैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूँ सबसे पहले मैं तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है लंग्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो नीचे क्या होते हैं भाई लंग्स होते हैं

हिचकी जो हमें आती है वो क्यों आती है कई बार हम खाना खाते टाइम बोलते हैं तो थोड़ा सा छोटा मोटा फूड पार्टी का अंदर आ जाता है फिर होता क्या है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है बैक फ्लो कराता है यहां से उस खाने को बाहर निकलवाने के लिए बैक फ्लो करवाता है और उसी को हम हिचकी बोलते हैं ठीक है थीके? अब ऐसा ही बोला जाता है कोई याद करता है तब हिचकियां आती है ऐसा नहीं है ठीक है लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि जब हम कुछ चुरा के खा रहे होते हैं तब तो हमें हिचकी आती है क्योंकि जब हम चुरा के खा रहे होते हैं तो हम जल्दी जल्दी जल खाते हैं सांस भी लेते हैं जल्दी जल्दी जल जल खाते हैं जल्दी जल्दी जल खाने में कई बार क्या होता है और सांस भी लेते हैं और कंफ्यूज से रहते हैं हम तो कई बार चांस हो सकता है कि ये जो फूड पार्टिकल है हमारा वो अंदर चला जाए ठीक है गलती से और फिर तब भी हमें हिचकियां आती है तो चुराने वाले कॉन्सर्ट को मैं अपनी तरफ से वैसे ही बता रहा हूं फिलहाल जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल केस है वो यही है ठीक है अच्छा कि खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए ठीक है जी अच्छा फिलहाल ये है लेरिंग्स लेरिंग क्या होता है एपिग्लॉटिस और ट्रेकिया के बीच वाला हिस्सा होता है लेरिंग्स ठीक है ना और फेरिंग्स क्या होता है फेरिंग्स एक कॉमन पासेज होता है बिटवीन फोर फूड एंड एयर वो ही बताऊंगा तुम्हें तो थोड़ी देर में ठीक है फिलहाल यहाँ के बाद ये ब्रोंकस है ठीक है ब्रोंकस मतलब जो ये ट्रेकिया है ये नीचे आकर के दो हिस्सों में बट गया एक इधर और एक इधर तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं ब्रोंकस बोलते हैं अब ब्रोंकस से छोटे 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 क्या बन रहे हैं और ज्यादा ब्रांचिंग हो रखी है जिसको कि हम क्या बोलेंगे बोलेंगे क्या बोलेंगे ठीक है और ऐसे फिर छोटे 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 होते चले जाएंगे और लास्ट में जाके पहुंच जाएंगे एलवियो पर कहा पहुंच जाएंगे भाई एलवियो पर ठीक है अच्छा अब एक अच्छी बात जो कि आपको समझनी है वो ये है कि जो लेयर है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन ये दो मेम्ब्रेन होती है ठीक है ना और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूड फिल है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूड ठीक है अच्छा ब्राउन क्यूर क्या होते हैं मैंने बता दिया है आपको ठीक है अच्छा ये लंग है एक लंग को आपको सेक्शन एक ये जो एक लंग है जिसको यहाँ पे बोला गया है ये कौन सा लंग है भाई ये है राइट right लंग ठीक है कौन सा लंग है ये है राइट लंग है ठीक है और ये है लेफ्ट लंग लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है साइज में और राइट वाला बड़ा होता है ठीक है ऐसा होता है क्यों क्योंकि तो देखो हर्ट जो होता है हर्ट का जो वेंट्रिकल हिस्सा होता है मतलब तो हर्ट के दो रीजन होते हैं एक तो ऑरिकल वाला हिस्सा होता है और नीचे वाला हिस्सा होता है वेंट्रिकल तो जो वेंट्रिकल वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा कहाँ होता है लेफ्ट पोर्शन की तरफ होता है थोड़ा सा लेफ्ट पोर्शन की तरफ तो उस वजह से लंग्स की थोड़ी इस तरह से कटिंग की हुई है भगवान जी ने ठीक है कि यहां पर एक नॉच टाइप बन गया है और इस नॉच को हम बोलते हैं ठीक है ना इसका नाम है इस नॉच को जो यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ठीक है ना इस नॉच को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच ठीक है ना इसको हम क्या बोलते हैं भाई कार्डियक नॉच मैं लिख देता हूं नाम इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच ठीक है अच्छा अब बात करते हैं लंग्स के चारों तरफ मिलता क्या क्या प्लूरल मेम्ब्रेन तो मिलती है प्लूरल के चारों तरफ देखिए रिब्स रिब्स के अंदर ये क्या है रिब्स है ठीक है रिब्स तो रिब्स के अंदर होता है हमारा लंग्स तो रिब्स क्या काम करते हैं कोई भी आपसे पूछे तो बता देना रिब्स क्या करते हैं आपके लंग्स को बचाते हैं ठीक है सामने से कौन सी हड्डी बचाते हैं एक्सटर्नम हड्डी बचाती है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है नीचे क्या होता है लंग के लंग के नीचे एकदम होता है डायाफ्राम क्या होता है डायाफ्राम तो डायफ्राम एक मेमबेनल सेप्टम है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो रीजन है वो बटे हुए होते हैं अब बॉडी के रीजन होते कौन कौन से वो समझ लीजिए ध्यान से बॉडी के रीजन कौन कौन से होते है। ठीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें बॉडी के कुछ हिस्से होते हैं वो आपको अभी जान लेने चाहिए ठीक है मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ ठीक है कोई भी नहीं बोलेगा सर बॉडी ऐसी तो होती नहीं है आप तो गलत बना रहे हो समझदार जो लोग होंगे वो समझ जाएंगे ठीक है और ये हैंड्स हैं ठीक है और यहाँ पर लेग्स हैं ठीक है अच्छा तो बॉडी के जो रीजन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं सबसे ऊपर वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हेड ठीक है और फिर ये आ गया आपका नेक ठीक है और ये जो हिस्सा होता है छाती वाले इसको बोलते हैं थोरेक्स ठीक है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एबडोम एबडोम ठीक है और एवडोम के नीचे जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पेल्विस ठीक है pelvis, ना पेल्विस अच्छा अब डायफ्राम क्या करता है जो थोरिक रीजन है और जो एवडोम रीजन है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है डायफ्राम ठीक है ना याद रखेंगे ये बात हम लोग ठीक है अच्छा और ये क्या होते हैं ये होते हैं अपेंडिजेस हाथ पैर अपेंडिजेस किसको बोलते हैं हाथ पैरों को बोलते हैं ठीक है अच्छा तो ये चीज आपको याद रखनी स्क्रीन शॉर्ट ले लीजिए फिर मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ ठीक है हाँ जी तो ये सब मैंने तो बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स का इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं सबसे पहले हवा कहां, कहां से आते हैं मैं हवा की पासिट मतलब जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक हमारी सांस लास्ट तक पहुंचती है ठीक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो नॉस्ट्रिल होते हैं हमारे ठीक है ना क्या होते हैं नॉस्ट्रिल होते हैं मैं बता देता हूँ ठीक है हाँ जी सबसे पहले क्या होता है नॉस्ट्रिल होता है जो नाक के छेद, है, छेद हैं छिद्र हैं ठीक है वहां से हवा एंट्री करती है उसके बाद फेरिंग्स में जाती है फेरिंग्स फेरिंग्स क्या है 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 मैंने बताया था कॉमन फॉर फूड एंड एयर ठीक अच्छा अब फेरिंग्स के बाद कहा जाता है एपिगलॉटिस एपिगलॉटिस हटेगा एपिगलॉटिस हटने से लेरिंग्स लेरिंग्स के बाद फिर कहां आएगा ट्रेकिया में आएगा जैसे कि बताया था ये पासेज आपको याद रखना है ठीक है ना ट्रेकिया के बाद देखो ट्रेकिया के बाद ये बट जाता है अलग अलग ब्रोमकाइज में ठीक है तो ब्रोंकाई के फ्लूरल टर्म है सिंगुलर में ब्रोंकस बोलते हैं तो एक आपका राइट लंग में जाएगा और एक आपका लेफ्ट लंग में जाएगा मैं एक को ही एक्सप्लेन कर देता हूं ठीक है एक को इन दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन कर देता हूं दूसरा भी सेम ऐसे ही आगे मूव हो रहा होगा उसमें से भी हवा ऐसे ही मूव हो रही होगी ठीक है ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकियोल्स देखो तीन टाइप के मिलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ठीक है प्राइमरी वाला जो साइज होगा प्राइमरी ब्रोंकियोल का वो थोड़ा सा बड़ा होगा सेकेंडरी का और पतला होगा

आपको याद रखना है लंग्स की का क्या नाम है लंग्स की मेमब्रेन का नाम है प्लूरा यहां से क्वेश्चन आता है ठीक है ठीक कितनी होती है दो मेमब्रेन होती है ठीक है अच्छा लेफ्ट वाला लंग थोड़ा साइज में छोटा होता है ये भी आपको याद रखना है क्यों होता है क्योंकि हर्ट का जो थोड़ा सा रीजन है वेंट्रल वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है ठीक है अच्छा आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ये ये क्या है ट्रेक ठीक है ये है क्या इनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स इनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स ठीक है ना ये सी शेप की होती है क्या होती है सी शेप की होती है देखिए इससे पहले कि मैं सी शेप के बारे में बताऊं आप पहले ये समझ लीजिए बॉडी के ना दो हिस्से होते हैं जो आपका छाती वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल हिस्सा और जो आपका पीठ वाला होता है उसको हम बोलते हैं डोरसल हिस्सा तो डोरसल कौन सा होता है बैक साइड होती है हमारी ठीक है और वेंट्रल कौन सा होता है हमारी फ्रंट साइड होती है ठीक है तो फ्रंट साइड साइड और बैक को मतलब कोई ट्यूब है जिसको कि मैं आपसे यहां से दिखाऊं और इसके चारों तरफ अगर मैं क्या बनाना चाह रहा हूं इसके चारों तरफ अगर मैं बनाना चाह रहा हूं आपका ये काट ले रिंग तो इस तरह से दिखेगी ये रिंग इस तरह से होगी ठीक है ये आपका माने चलो ये आपका है वेंट्रल साइड और ये आपकी पीठ वाली साइड है और ये चीज मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ तो आपको ये सामने से तो नजर आ रही है ठीक है ना लेकिन आप इसको पीछे से देखेंगे तो पीछे से आपको ये नजर नहीं आएंगे ये रिंग्स ठीक है आई होप आप इसको समझ गए होंगे अब इन रिंग्स का काम क्या होता है ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत बारी पूछा है तो चलते हैं आगे ठीक है तो सुनिए रही से मैंने काट रिंग की बात कर रहा हूँ ठीक है देखो भाई अभी बताया था मैंने ये देखिए कार्डलिंग यहां से स्टार्ट हो रही है मैं पेन का कलर चेंज करता हूं हाँ जी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहां से इधर जा रही है और यही खत्म है मतलब वेंटल साइड में दिख नहीं रही ठीक है ना मतलब यहां पर क्या है ये इनकम्प्लीट है तो कार्डलिनियस रिंग को हम बोलेंगे डोरसली इनकम्प्लीट क्या बोलेंगे डोरसली इनकम्प्लीट क्योंकि ये डॉर्सल साइड में मिलती नहीं है अब कुछ बीमारी होती है जिसमें कि ये सी शेप ना हो करके सी शेप ना हो करके कैसी शेप बना लेता है ओ शेप बना लेता है अगर किसी के अंदर एक कार्टिलेजियस रिंग ओ शेप की दिख रही है तो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ठीक है ना क्या है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं जो जन्म से ही हमारे अंदर आते है. हैं ऐसी बीमारियां जो हमारे अंदर जन्म से ही आती हैं उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं तो किसी किसी के अंदर ये डॉर्सली कंप्लीट भी मिलता है तो अगर मैं बात कहूं कि कार्टिलेजिनस रिंग डॉर्सली कंप्लीट है तो क्या ये एक नॉर्मल केस होगा नहीं ये एक एब नॉर्मल केस होगा मतलब ये एक बीमारी होगी ठीक है ना ये क्या होगी एक बीमारी होगी क्लियर है इतना मैंने तुम्हें बताना था मैंने बता दिया है ठीक है अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसका ले लीजिए तो यहाँ तक आपने देख लिया है ठीक है ना अच्छा ये हमारा चल रहा है विंड पाइप ठीक है ना यहां से हमारी हवा आती है और निकलती है ठीक है पीछे देखिए आप पीछे ईसोफेगस भी है ईसोफेगस से क्या आएगा ईसोफेगस में हमारा खाना आता है ठीक है ना यहाँ पे क्या जाता है खाने की एंट्री होती है यहाँ पे आप देख सकते हो तो ईसो जो पिंक कलर का दिख रहा है पीछे ये ईसोफेगस है और आगे जो है ये रिंग्स हैं और रिंग्स के अंदर में क्या है ट्रैक किया है जिसको कि हम क्या बोलते हैं विंड पाइप बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं विंड पाइप ठीक है ना और इस इसको तो क्या बोलते हैं फूड पाइप अच्छा यहां से एक और क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया अगर मैं आपसे पूछू कभी भी रास्ते में अगर मुझे मिल गए तो मैं आपसे कोई पूछू तो ये पूछू मैं आपसे कि बताओ हमारी डोरसल साइड पर कौन सा पाइप मिलता है विंड uh, पाइप या फूड पाइप डॉर्सल डॉर्सल मतलब पीठ वाली की तरफ तो पीठ वाले की तरफ कौन सा मिलेगा भाई ईसोफेगस मिलेगा ठीक है ना इसोफेगस तो फूड पाइप ये करेक्ट आंसर है अगर मैं आपसे पूछूं वेंट्रल साइड पर कौन सा पाइप मिलेगा विंड पाइप या फूड पाइप अब तो आप बता दोगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपने देख लिया है ठीक है ना अब आप बता दोगे कि सर विंड पाइप ठीक है ना तो इसका मतलब है कि हमारी आगे वाली साइड पर फ्रंट साइड पर क्या होता है विंड uh, पाइप होता है ठीक है और पीछे क्या होता है फूड पाइप होता है ठीक है पीठ वाली तरफ क्लियर है जी यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से लेक्चर को मैं तुम्हें तो डिलीवर करके दे रहा हूँ यहाँ पे ठीक है ना हाँ जी अब देखो आगे बात करते हैं मैं इसको अगर तुम्हें ऊपर से दिखाऊं तो ऊपर से देखो यहाँ पे क्या है ये तो है आपका इसोफेगस है ठीक है ना इसोफेगस के आगे देखिए ये जो मुझे दिखाए थे ना जो रिंग हमारी है ये देखो इनकम्प्लीट है मतलब आगे से तो कम्प्लीट है पीछे देखो यहां से लेकर यहां तक ये तो मिला नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया ये इसका मतलब क्या हो गया इनकम्प्लीट हो गई और इनकम्प्लीट का मतलब कुछ क्या है, है. सी शेप की है कैसी शेप की है सी शेप की रिंग है अब कार्टिलेज क्या होता है अगर आपको यह भी नहीं पता है तो देखो आपके नाइन्थ के कॉन्सेप्ट कमजोर है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ठीक है ना नाइन्थ क्लास में टिश्यूज नाम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा ठीक है ना टिश्यूज नाम का टिश्यूज में आपने एनिमल टिश्यूज पढ़े होंगे और प्लांट टिश्यू पढ़े होंगे प्लांट टिश्यू पढ़ा होगा और एनिमल टिश्यूज पढ़े होंगे ठीक है ना अच्छा अब एनिमल टिश्यूज में आपने चार तरह के टिश्यूज पढ़े होंगे मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ ठीक है जल्दी से चार तरह के टिश्यू पढ़े होंगे एक तो पढ़ा होगा आपने एपिथीलियम टिश्यू ठीक है ना और एक पड़ा होगा आपने कनेक्टिव टिश्यू ठीक है एक पड़ा होगा आपने मस्कुलर टिश्यू एक पड़ा होगा आपने नर्वस टिश्यू ठीक है नर्वस नर्वस आप नर्वस ना हो ठीक है ये नर्वस है अब कनेक्टिव <laughs> टिश्यू जो है ठीक है जी अब जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके भी अपने टाइप पड़े होंगे ठीक है ना तीन टाइप पड़े होंगे एक तो डेंस एक लूज और एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ठीक है ना स्पेशल में आपने पढ़े होंगे टाइप बहुत टाइप पढ़े होंगे लेकिन स्पेशल में, में बता रहा हूँ आपने बोन पढ़ा होगा और कार्टीलेज पढ़ा होगा ठीक है ना बोन और कार्टीलेज अब बोन का क्या सीन है बोन तो होता है आपका सॉलिड uh, तो होता ही है और रिजिड भी होता है ठीक है ना लेकिन क्या नहीं होता है फ्लेक्सीबल नहीं होता है लेकिन कार्टिलेज की प्रॉपर्टीज क्या है कार्टिलेज आपका सॉलिड होगा रिजिड नहीं होगा flexible होगा, ठीक है ना तो कार्टिलेज क्या होता है एक सॉलिड चीज होती है जो कि क्या होगी साथ में फ्लेक्सीबल भी होगी ठीक है ना जैसे आपके ईयर का पिन्ना है जो कान बाहर निकला हुआ होता है ना इस तरह का ठीक है अब यहां पर क्या होता है उसमें कार्टिलेज होता है इसको तुम पकड़ के हिलाओ कुछ भी करो मुझे नहीं पता आपको बस ये बात पता चल जानी चाहिए कि हमारा जो कार्टिलेज है वो सॉलिड है और फ्लेक्सीबल है ठीक है जी आई होप आपको समझ में आ गया ठीक है अच्छा अब यहाँ देखो अंदर अंदर में देखो यहाँ अंदर अंदर है ल्यूमन ऑफ ट्रेकिया अगर आप इंसानों को ये बात नहीं पता है कि ल्यूमन क्या होता है तो सुन लो सुन लो फायदे के लिए बता रहा हूँ ठीक है होगा क्या कोई भी ट्यूबलैक स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ेंगे पूरी दुनिया में कोई भी ट्यूब अगर आप पढ़ोगे तो ट्यूब के अंदर की जो खाली जगह होती है जो भी खाली जगह होती है ठीक है ना जो भी खाली जगह होती है जहां से कुछ भी चीजें क्या होंगी पास होंगी उस खाली जगह वाले एरिया को हम ल्यूमन बोलते हैं क्या बोलते हैं ल्यूमन ठीक है ना अब भाई और कष्ट मत करो दुनिया धरती में ठीक है आप चीजों को समझ लेंगे अच्छा अब जो ट्रेकिया है ट्रेकी को क्या बोलते है? बोलते है, है, हैं हैं सीलिया, सीलिया मतलब -like ठीक है ना आप के अंदर आप देखेंगे पर रहे हैं मतलब ठीक है अब ये बात मैं पढ़ा क्यों रहा हूं आपको आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा एपीथिलियम टिश्यू और एपीथिलियम टिश्यू का एक टाइप आपने पढ़ा होगा सीलियरी एपीथिलियम क्या पढ़ा होगा सीलियरी

सीलिया मिल रही हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रही हो, क्या ना? मिल रही हूँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है ना तो ऐसे एपीथिलियम टिश्यू को हम बोलते हैं सीलियरी टिश्यू मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका नाइन्थ का बेस ही कमजोर है आप बेस लेस हो है? <laughs> अच्छा अब ये सीलिया काम क्या करते हैं ये लाइक प्रोजेक्शन काम क्या करती है ये ट कराते क्या काम कराते हैं ये मूवमेंट तो एयर की जो मूवमेंट हो रही है वो किस वजह से हो पा रही है इन सीलिया की वजह से हो पा रही है ठीक है अब और ज्यादा ज्ञान लो नहीं तो उल्टी कर जाओगे ठीक है ये सब आपको पढ़ने जो सब म्यूकोसा ये ग्लैंड हाइलिन कार्ट अच्छा हाइलिन कार्टलेज से मिलके बना ये कार्टलेजी तो है मैंने बताया ना कार्टलेज ठीक है अच्छा चलो जी ज़्यादा डिटेल आपके ही फायदेमंद है ठीक हाँ का है फिलहाल मैं तो बता देता हूँ कार्टलेज का काम होता है एनश्योर करता है एयर पास को कि ये कोलेप्स ना करे अब ये कार्टलेज जो यहाँ बना हुआ है ना ये सॉलिड स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है इसका ये फायदा है कि ये वाली जो परत है ये जो ट्रेकिया है ये क्या ना करे चिपके ना आपस में आपस में क्या ना हो जाए चिपक ना जाए अगर ये चिपक गया तो फिर हवा पास नहीं होगी और हवा पास नहीं होगी तो हमारा दम घुटेगा और फिर हम मर जाएंगे ठीक है ना तो ये कोलैप्स ना करें एक दूसरे से चिपके ना ये जो एयर की पास एज है जहां से एयर पास हो रही है जहां से एयर क्या हो रही है पास हो रही है वो क्या ना करे चिपके ना कोलैप्स ना करे इसीलिए ये का ये जो कार्टलिनियस रिंग है ये प्रेजेंट होती है ठीक है ना इसका फंक्शन पता चल गया ठीक है अब आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं ठीक है जी हाँ जी चलिए मैंने आपको बता दिया रिंग क्या होती है और बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने इसको पढ़ा है आपकी उम्र के हिसाब से ठीक है ठीक है ना अब आगे चलते हैं अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की हम ब्रीथिंग क्यों कर पाते हैं इससे पहले मैं आपको फिजिक्स का थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा ठीक है ना फिजिक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट ठीक है तो सुने एक फॉर्मूला है प्रेशर का प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ठीक है ना ये फॉर्मूला होता है फिजिक्स में एक फॉर्मूला है ठीक है इंसानों आई होप आप इस फॉर्मूले को याद रहेंगे ठीक है अब इस फॉर्मूले से एक चीज तो क्लियर हो रही है यहां पर एक चीज क्लियर हो रही है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के इसका मतलब क्या है कि एरिया जितना ज्यादा कम होगा ठीक है प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा ठीक है और कोई भी हवा है या कुछ भी है वो हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है हवा जो होती है ठीक है ना एयर जो होती है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है भाई एयर मूव कर दिया अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ठीक है अच्छा एक न्यूमेरिकल दे देता हूं जब फिजिक्स चली गई है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दो पैरों पर खड़े हो या फिर आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें कि आपका एक पैर जमीन पे टच है और एक पैर आपने टच नहीं किया हुआ है ठीक है तो बताइए आपका भी एक पैर जमीन से टच है और यहाँ पर दोनों ही पैर आपकी जमीन से टच थे तो बताइए प्रेशर कब ज्यादा लग रहा होगा जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है वो यही बताते कि प्रेशर सर यहाँ ज्यादा लग रहा है दो पैर आ गए दो पैर मतलब ज्यादा फोर्स है ना ऐसा है ना लेकिन नहीं आप फोर्स की बात शायद आपकी सही हो लेकिन हम बात कर रहे हैं एरिया की भी यहाँ देखिए यहां इसने इस पैर का एरिया मान चलो वन दूसरे पैर का भी एरिया वन तो कितना हो गया डबल एरिया हो गया यहाँ पर और यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही एरिया है तो एरिया कहाँ ज्यादा मिला हमें यहां ज्यादा एरिया मिला तो जहां ज्यादा एरिया मिलेगा वहां प्रेशर क्या मिलेगा कम और यहाँ प्रेशर क्या मिलेगा ज्यादा तो प्रेशर कहां ज्यादा लग रहा है इस वाले केस में ज्यादा लग रहा है अगर आप एक पैर से खड़े हो तो ज्यादा प्रेशर लग रहा है अर्थ पर है ना और दो पैरों से खड़े हो तो प्रेशर कम लग रहा है ठीक है थोड़ा सा बेसिक बताना चाहिए और बायोलॉजी के लिए तो फिजिक्स भी आनी चाहिए भाई फिजिक्स भी आनी चाहिए अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी लिए फिजिक्स आना चाहिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एक बुक पढ़ रहा था मैं लाइब्रेरी में अपने कॉलेज टाइम में उसका नाम था बायो फिजिक्स उस बुक का नाम था भाई बायो फिजिक्स ठीक है ना हालांकि मुझे फिजिक्स में पहले से इंटरेस्ट था उस बुक का नाम है बायो फिजिक्स अब देखो मिला क्या मुझे उस बुक में उस बुक में पहले ही टाइटल में राइटर ने पता क्या लिख रखा है जिसने इस बुक को लिखा है उसने ये लिख रखा है कि फिजिक्स इज इनफ टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी ये लाइन मैंने वहां से पढ़ी और अब तक मेरे दिमाग में छपी हुई है और मैं बच्चों को फिजिक्स के लिए मोटिवेट करता हूं बहुत सारे बायोलॉजी में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं वो फिजिक्स से बहुत ज्यादा डरते हैं लेकिन वो बेफ इंसान है ऐसे नहीं डरना चाहिए ठीक है ना अच्छा फिलहाल इस टॉपिक से हटते नहीं है ठीक है आपको क्लास का एक अच्छे से एक्सपीरियंस मिले इसलिए मैं आपसे इतनी बातें भी कर रहा हूँ ठीक है फिलहाल तो प्रेशर से आपको पता चलेगा कि प्रे... प्रेशर क्या फॉर्मूला क्या है ठीक है और एयर कहाँ से काम मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक प्रूफ बताता हूँ मान चलिए एक बलून लीजिए आप ठीक है बलून में हवा फिल कीजिए हवा फिल की आपने ठीक है हवा फिल की और अरे भाई क्वालिटी खराब हो गई ऐसे नहीं करेंगे अच्छे से बेलून का डायग्राम बनाए ठीक है ना एक बलून लिया आपने ठीक है और बलून में आपने क्या फिल करी हवा फिल करी है ठीक है धागे से बंद किया हुआ है अभी प्रेशर क्या है अंदर बहुत ज्यादा है और यहां पर क्या है एयर है ठीक है ना मान चलो यहां पर प्रेशर है टेन ए टी एम प्रेशर की यूनिट होती है एटमोसफियर और उसको हम एटीएम में नापते हैं ठीक है ना एटीएम एटीएम मतलब क्या होता है एटमोसफियर होता है ठीक है अब यहाँ पर प्रेशर है टेन ए और बाहर प्रेशर है वन ए तो हवा कहां से कहां मूव करेगी यहां से बाहर की तरफ मूव करेगी अभी आप देखते तो जैसे ही आप बैलून को खोलते हो तो हवा बाहर की तरफ मूव करती है अब मान लो कुछ भी ऐसा केस जहां पर बाहर प्रेशर मान चलो होगा बीस एटीएम मान चलो बाहर प्रेशर है बीस ए टी एम तब क्या होगा तब हवा क्या बाहर निकल जाएगी नहीं तब हवा कहां जाएगी अंदर सर ऐसा कब होता है कि बाहर प्रेशर बैलून से ज्यादा हो अरे भाई जब आपने फिल की होगी हवा अपने मुंह से ठीक है ना जब आपने अपने मुंह से जब आपने अपने मुंह से, से ये बैलून फिल किया था तब क्या आपने ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया था क्या आपने प्रेशर नहीं लगाया था अपने मुंह से तभी तो बैलून आपने फैला पाए हो क्लियर है नहीं है तो अगर आपको इसके अंदर हवा भेजनी है चाहे इसका प्रेशर पी है बैलून के अंदर का प्रेशर अगर आपको इसके अंदर हवा फिल करनी है तो आपका पर्सनल जो प्रेशर होगा पी एच मतलब ह्यूमन का जो प्रेशर होगा जो ये लगाएगा इसमें वो ज्यादा होना चाहिए बैलून के प्रेशर से तब तो आप इसमें हवा फिल कर पाओगे अदरवाइज आप इसमें हवा फिल नहीं कर पाओगे ठीक है ना ठीक है ये तो सीधी सी बात है मतलब आपने अगर ज्यादा दम लगाया है तभी आप इसमें हवा फिल कर पाओगे अगर आपका दम ही कम रह गया तो आप इसमें हवा फिल नहीं कर पाओगे और हवा बाहर क्यों निकल के आई है क्योंकि क्योंकि अः यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा था और यहाँ बाहर प्रेशर क्या है बहुत कम है इसीलिए हवा बाहर आ जाएगी ठीक है ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के ठीक है और मुझे पसंद है ये सब्जेक्ट और आप इसका स्क्रीन ले लीजिए ठीक है आपकी जिंदगी में काम में आएंगे ठीक है फिलहाल आगे चलते हैं जी हम्म अब आगे चलते हैं मैंने एक बात बताई थी आपको एरिया जितना ज्यादा होगा दो चीजें आपको याद रखनी है एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा ठीक है ये बात एक तो आपको याद रखनी है एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और हवा कहां से कहां मूव करती है एयर कहां से कहां मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है एयर मूव करती है ठीक है ना अब uh, हमारी बॉडी कुछ ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करती है हमारी खुद की बॉडी अपनी बॉडी ठीक है ना जिसके अंदर आप बैठे हो ठीक है <laughs> तो उस बॉडी में होता है क्या है कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि हम एरिया को घटाते हैं और बढ़ाते हैं बस प्रेशर को घटाने और बढ़ाने के लिए ठीक है ना देखो कैसे कैसे बहुत चालाक बॉडी है हमारी तो देखो होता क्या है ये डायफ्राम जो होता है ना वो नीचे की तरफ खिसकता है और फ्लैट हो जाता है फ्लैट हो जाएगा ठीक है रिप्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं आप जब भी सांस ले रहे हो अपनी छाती पर हाथ रखो और ऑल इज वेल मत बोलो ठीक है महसूस करो छाती पर हाथ रखो और ये महसूस करो कि क्या जब हम सांस लेते हैं हमारी जो रिब्स हैं और जो स्टर्नम है स्टर्नम देखो छाती के आगे वाली हड्डी होती है ठीक है ना आगे वाली हड्डी होती है स्टर्नम ठीक है स्टर्नम पढ़ लेंगे फ्यूचर में कभी ठीक है स्टर्नम मतलब जो आगे वाला हिस्सा है हमारा जो हमारा वेंटल हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठता है या नहीं उठता है मतलब रेज होता है या नहीं तो सांस लो अभी और फील करो हाँ जी मेरा तो उठा है आपका पता नहीं अगर आप इंसान हो कि नहीं हो ठीक है हाँ जी फिलहाल तो ये उठता है ऊपर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ हुआ है अब एक्चुअल हो क्या रहा है वो क्या रहा है हम एरिया बढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं एरिया बढ़ा रहे हैं हम जब अपने लंग के एरिया को बढ़ाएंगे तो होगा क्या प्रेशर कम होगा और इतना कम करना है कि बाहर का जो भी प्रेशर होगा एनवायरमेंट का जो भी प्रेशर होगा एयर का ठीक है ना बाहर जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर से हमें अपना प्रेशर क्या करना है कम करना है क्योंकि अभी मैंने क्या बताया हवा कहां से कहा मूव करेगी हाई प्रेशर से लो की तरफ और हम क्या करेंगे अपने खुद के प्रेशर को कम कर लेंगे इतना कम कर लेंगे कि बाहर का प्रेशर ज्यादा लगने लग जाए फिर हवा कहां से कहां मूव करेगी बाहर से अंदर बाहर से अंदर ठीक है ना तो ये बहुत चालाक बॉडी हमारी हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है भाई इतनी स्मार्ट है कि तो स्मार्ट तुम भी नहीं हो है ना अच्छा सोच में आ गया ना तो ये है हमारी बॉडी का एक फंक्शन हम्म तो ये जो मैकेनिज्म है सांस अंदर लेने का अंदर लेने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन ठीक है जी अच्छा तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक बारी और क्लियर कर देता हूं ठीक है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इसको आप लिख लीजिएगा ठीक है मैं इरेज कर रहा हूँ इसको ठीक है ना अब मैं बताता हूं हुआ क्या है देखो क्या हुआ है ये आपके एन में लिखी हुई है लाइन्स क्या होती है एक तुम्हारी रिब्स लिफ्ट होती है और डायफ्राम फ्लैट होता है जिसकी वजह से हमारा जो एरिया है

अब अगर मैं कंपेरिजन करूं तो अब इस टाइम पर बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा तो आप इस बात को अगर फिर से फील करना चाहते हो तो सांस को बाहर छोड़िए और आपको तो फील होगा कि जो छाती आपकी अभी ऊपर की तरफ रेज हुई पड़ी थी वो अब कहाँ हो रही है आ, नीचे की तरफ दब रही है ठीक है जी अच्छा अब यहां से एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है मतलब जब हम रिलैक्स स्टेट में रहते हैं रिलैक्स स्टेट में जब हम रहते हैं तो हमारे जो प्रेशर है लंग का लंग का जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा या कम होगा आपको जवाब देना है कि सर हमारे लंग का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा क्योंकि तो अभी मैंने बताया था जैसे ही अपने रिलैक्स स्टेट में पहुंचेगा ठीक है ना रिलेक्सन पहुंचता है तो उसका क्या है हमारा प्रेशर ज्यादा रहता है इस केस में ठीक है ये बातें आपको याद रखनी है ठीक है जी आई होप इतना आप पचा लेंगे ज्ञान को और मोटा मोटी बात कर लेते हैं यहाँ पे ठीक है ना तो देखो एक्सप्रेशन के टाइम पर क्या होता है एक्सप्रेशन के टाइम पर एक्सप्रेशन कर क्यों पाते हैं हम क्योंकि रिब्स कहा जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर जाती हैं और डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है अंदर का ज्यादा हो जाता है मतलब एरिया कम हो गया ना एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ठीक है अच्छा तो देखो ना फिजिक्स कितनी ज्यादा जरूरी है फिजिक्स रियल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई ठीक है ना हल्के मत लेना बायोलॉजी वाले बच्चे जो डरते हैं फिजिक्स से बिल्कुल ना डरे ठीक है ना मैं हूं तुम्हारे साथ में कॉन्फिडेंस देने के लिए आप मुझे देखते रहे कि सर को फिजिक्स आती है हमें भी आनी चाहिए तभी तो बायोलॉजी समझ पाएंगे है ना अच्छा आगे चलते हैं अब देखो कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऐसी रहती है जो हमेशा हमारे लंग के अंदर प्रेजेंट रहती है हमेशा चाहे हम सांस अंदर ले लें कितनी भी सांस खींच लें ठीक है सांस खींचने के बाद वो हवा कहा जाती है हमारे हवा से ऑक्सीजन कंज्यूम करके हमारे अल अलग अलग टिश्यूज तक तो पहुंचती है वो बताऊंगा ठीक है ना और कितनी भी हम सांस बाहर छोड़ लें कितनी भी सांस तुम बाहर छोड़ लो दम लगा के पूरी सांस निकाल दोगे ना पूरी सांस निकाल के दोगे जैसे अभी सांस छोड़ो जितनी मर्जी छोड़ सकते हो जितनी मर्जी छोड़ दो सांस लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स में रहता है जिसको कि हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ठीक है volume. ना और इसका वॉल्यूम कितना होता है 1100 हंड्रेड एम एल टू ट्वेल्व हंड्रेड एम एल इतनी एयर हमारे लंग्स में हमेशा मिलेगी और उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी पचानी पड़ेगी करना पड़ता है ठीक है आगे चलते हैं अब बात करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है हमारी बॉडी में तो देखो भाई मैंने बताया था एलबुलाई तक हमारे जो एयर है वो आ चुकी है ठीक है ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम तो सभी तरह की गैसेस अपने लंग्स तक पहुंचाते फिर ऑक्सीजन ही क्यों ऑक्सीजन ही क्यों हमारी बॉडी में एब्जॉर्व होती है जबकि आई तो नाइट्रोजन भी है ठीक है ना कि हवा में तो सर नाइट्रोजन भी है तरह तरह की दुनिया भर की गैसेज हैं लेकिन हम अपनी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन को ही क्यों लेते हैं और सीओ टू ही क्यों छोड़ते हैं ये क्वेश्चन अब आपका यहाँ क्लियर होने जा रहा है ठीक है तो शांति से बैठे रहें और अगर आपके दिमाग पे लोड पड़ रहा है तो आप ये वीडियो आदि कल देखे ना क्योंकि मैं अब वीडियो परस लूंगा ठीक है ना तो एलवलाई तक तो जब हमारा हमारी जो एयर है वो पहुंच जाती है ठीक है ना ब्रॉन क्यूल्स की मदद से अब कहा गई है एयर यहाँ आ चुकी है आपके एलवलाई में ठीक है ना एलवलाई ठीक है एलवलाई अब के स्ट्रक्चर के चारों तरफ देखिए ब्लड वेसल्स हैं बहुत सारे दिख रहे हैं ना आपको दिख रही है ब्लड वैसल चारों तरफ है, है। यहां अच्छा। पर मैंने एक ब्लड वेसल दिखाई है ठीक है जो कि चारों तरफ है किसके एलवलाई के अंदर की तरफ क्या है ये एलवलाई ठीक है अंदर की तरफ क्या है एलवलाई अब एल्बुलाई के अंदर दुनिया भर की एयर आई है लेकिन हमारी बॉडी में कमी किसकी चल रही है सिर्फ ऑक्सीजन की चल रही है ऑक्सीजन की कमी चल रही है ठीक है इस चीज को आप ऐसा हो एक प्रोसेस है इसका नाम होता है डिफ्यूजन क्या नाम है भाई डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कमी है इसका मतलब है अब हमारी बॉडी में जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो कम है और हवा में तो कंसेंट्रेशन इसकी ज्यादा है ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन कहां से कहा मूव करेगा एयर से यहाँ हमारे बॉडी के अंदर ठीक है ना तो इस तरह से हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड क्या हो जाता है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है क्या हो गया हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया अब ऑक्सीजन कंज्यूम कौन करता है वो बात आप सुन लीजिए ध्यान से हमारे ब्लड के अंदर ना आर होती है हमारे ब्लड के अंदर होती है आर जिसको कि हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स अब रेड ब्लड सेल्स के पास स्पेशल कुछ प्रोटीन होते हैं उसका नाम बता रहा हूं उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन आरबीसी के पास क्या होते हैं भाई हीमोग्लोबिन होते हैं ठीक है ना तो आरबीसी के पास क्या मिल रहा है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ना शॉर्ट में एच लिखते हैं कोई बात नहीं आप जैसे इंसान इन चीजों को भूल सकते हैं तो एच है मतलब क्या है हीमोग्लोबिन ठीक है ना हीमोग्लोबिन हीमो क्या है एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी में मिल रहा है हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब ये क्या काम करता है हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है देखो पिगमेंट वाला जो काम है वो तो है कलर देना पिगमेंट क्या देते हैं भाई कलर देते हैं इसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है रेड होता है ठीक है ना अच्छा और क्या काम करता है ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है ऑक्सीजन से क्या करता है बाइंड करता है ठीक है अब जब ऑक्सीजन किससे बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा क्या बाइंड कर जाएगा इससे ऑक्सीजन 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 तो मैं ये कह सकता हूं कि आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगी तो ये जो ऑक्सीजन है ये ये किससे जाके जुड़ा ये जुड़ा आरबीसी से जाके और आरबीसी में भी किससे जाके जुड़ा हीमोग्लोबिन से जाके अब एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है ठीक है ना याद रखना एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है ठीक है ना अच्छा एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जल्दी हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा तो सबसे ज्यादा जल्दी हीमोग्लोबिन बाइंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से जो कि एक जहरीली गैस है फिर उससे कम बाइंड करता है ऑक्सीजन से फिर उससे कम बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड से ठीक है ना ये चीज याद रखना यहां से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में ठीक है अच्छा इसके बाद यहां तक मैंने तो बता दिया है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर कैसे गया है अंदर गया है ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से तो मतलब एल्वलाई और ब्लड वेसल के बीच में एल्वलाई और ब्लड वेसल के बीच में कौन सी प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है कौन सी प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और डिफ्यूजन क्या होता है मैंने बता दिया आपको अभी ठीक है ना डिफ्यूजन क्या होता है क्लियर है जी डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया अच्छा अब डिफ्यूजन की मदद से जो एल्वलाई से क्या होगा डिफ्यूजन की मदद से एल्वोलाई की तरफ से एलवलाई के अंदर जो एयर है जो ऑक्सीजन है वो कहां बाइंड कर जाएगी ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट आरबीसी से ठीक है ना आरबीसी से ऑक्सीजन क्या कर जाएगा बाइंड कर जाएगा ठीक है ना आरबीसी से कौन बाइंड कर गया ऑक्सीजन बाइंड कर गया ठीक है बच्चो हाँ जी समझ में आ गया कितना ऑक्सीजन बाइंड करता है एक हीमोग्लोबिन से चार ऑक्सीजन बाइंड करते हैं अच्छा सर एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी में सुनो भाई लगभग दो से तीन करोड़ हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी में तो सोचो कितनी ऑक्सीजन हम बाइंड कर सकते हैं ठीक है ना फिलहाल यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना अच्छा तो ऑक्सीजन लगातार हम सांस ले रहे हैं लगातार ऑक्सीजन बाइंड करती जा रही है करती जा रही है आरबीसी से ठीक है ना लगातार बाइंड करती जा रही है और ऑक्स हमारा ब्लड लगातार क्या होता जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होता जा रहा है ठीक है ना बायोलॉजी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम प्योर ब्लड बोल देते हैं क्या बोल देते हैं प्योर ब्लड तो प्योर ब्लड का मतलब क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से है ठीक है ना बायोलॉजी में क्लियर है आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में होंगी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे चलता हूँ ठीक है ना हम्म अब आगे चलते हैं फटाक से अब देखो भाई यहां पर क्या हुआ था ऑक्सीजन आ गया हमारे आरबीसी बाइंड कर गया और पल्मोनरी वेन की मदद से हार्ट में गया ठीक है हार्ट में जा करके फिर हार्ट से हार्ट देखो पंप करता है ब्लड को ठीक है ना कैसे कैसे पंप करता है कैसे कैसे पहुंचाता है ये चीज मैं आपको बताऊंगा धैर्य रखना पड़ेगा ठीक है और फिर ये ब्लड कहाँ पहुंच गया हमारे टिश्यूज तक पहुंच गया तो टिश्यूज में हमारा ऑक्सीजन आ गया है ना अब टिश्यूज क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल और सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस चलेगी रेस्पिरेशन चलेगी मतलब जो ऑक्सीजन हमने लिया है अब वो की क्रिएशन करवाएगा मतलब रेस्पिरेशन क्या होती है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स अब ये ऑक्सीजन उससे बाइंड करेगा और क्या बना देगा सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस एनर्जी हम भाई रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ रहे ठीक है ना तो अब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर फिर क्या, बने लग क्या बनने लग जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनने लग जाएगा क्या बनने लग गया भाई सेल के अंदर बनने लग गया सर कार्बन डाइऑक्साइड बनने लग गया भाई बड़ी दुविधा हो गई संकट आ गया गलत चीज बन गई हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है अब क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर बना है ये वापस से कहा पहुंच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है ये आ जाएगा ब्लड वेसल में वापस से ठीक है ना ब्लड वेसल वापिस से आ जाएगा कौन किस ब्लड वेसल में आ रहा है वेन में आ रहा है किसमें आ रहा है वेन में ब्लड वेसल दो तरह की होती हैं एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन आर्टरी वो ब्लड वेसल होती है जो बॉडी के टिश्यूज तक सप्लाई करती है मतलब हार्ट से टिश्यूज की तरफ जाती हैं और वेन्स वो होती हैं जो टिश्यूज से कहा की तरफ आएंगी हर्ट की तरफ आएंगी ठीक है ना हर्ट की तरफ जो कि आपको दिख रहा है अब ये टिश्यूज से कहा जा रहा है हर्ट की तरफ जा रहा है अच्छा एक और क्वेश्चन कि ये कौन सी प्रोसेस से गया है अब देखो भाई ये जो सेल्स हैं सेल्स में सीओ टू की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी सीओ टू कंसेंट्रेशन बढ़ रही है और वेन्स में सीओ टू कंसेंट्रेशन कम थी तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जो ये पार्टिकली मूवमेंट हो रही है इस मूवमेंट को हम बोलेंगे डिफ्यूजन क्या बोलेंगे डिफ्यूजन तो कैसे मूवमेंट हुई होगी टिश्यूज से बैसल के अंदर वो मूवमेंट हुईलॉजी तो, तो में डी ऑक्सीजेटेड ब्लड को हम बोलते हैं एमप्योर ब्लड अशुद्ध रक्त बोलते हैं तो ये एमप्य ब्लड आ गया है और वापस से हर्ट के अंदर आकर के इसको वापस से भेजा जाएगा कहां पर एलवलाई के पास में अब एलोवलाई के पास में जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ये वेन्स है ठीक है ना सॉरी अब ये हर्ट से निकली है ना तो जो हर्ट से निकलती है हर्ट से जो निकलती है उन सभी को हम बोलते हैं आर्टरी क्या होती है वो सब आर्टरी होती है ठीक है ना और जो हर्ट की तरफ आती हैं उन सबको हम बोलते हैं वेन्स तो ये हर्ट से निकली है उसका नाम क्या है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है डी ब्लड है पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ठीक है ना सिस्टमेटिक आर्टरी में सिस्टमेटिक आर्टरी में कौन सा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिस्टमेटिक वेन में कौन सा ब्लड है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अगर मैं आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछूं कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर डिऑक्सीजेटेड ब्लड मिलता है तो आपको जवाब देना है सर वो है पल्मोनरी आर्टरी अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है तो आपको जवाब देना है सर वो है पल्मोनरी वेन नॉर्मली आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है नॉर्मली वेन में कौन सा ब्लड होता है डीऑक्सीजेटेड ब्लड होता है लेकिन ये चीजें भी आपको याद रखनी है क्या पता मैं पूछ लू मैं ऐसे ही क्वेश्चन बहुत पूछता हूं भाई ठीक है ना हाँ जी तो एक्सेप्शनल केस है आपको याद रखना है ठीक है ना हाँ जी तो यहाँ तक जो CO2 है वो कैसे कैसे एब्जॉर्ब हुआ है वापस से हमारी वेन में और फिर वेन से कैसे आर्टरी के थ्रू कहां पहुंच गया वो एलवलाई के पास पहुंच गया अब एलवलाई के पास जब पहुंचेगा तो देखिए अब इस टाइम पर ब्लड वेसल में क्या ज्यादा है सीओ टू कंसनट्रेशन ज्यादा है और जो एलवलाई है एलवलाई में सीओ टू कंसनट्रेशन क्या है कम है तो कहां से कहां मूवमेंट होगी हाईर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ तो अगेन पल्मोनरी आर्टरी से कहा जाएगा सीओ टू तो मैंने आपको पूरा समझा दे कि ऑक्सीजन कैसे कैसे आता है अंदर और सीओ टू कैसे कैसे हम रिलीज करते हैं और सीओ टू बनता भी कैसे हमारे शरीर के अंदर वो भी मैंने आपको बता दिया है वो कैसे बनता है सीओ टू हमारे शरीर में रेस्पिरेशन की रिएक्शन से ठीक है ना तो सीओ टू वापिस आ गया एलवलाई में और इस तरह से हम सीओ टू को बाहर छोड़ देंगे

एम एम एच डी क्या है ये पी सी ओ टू पीओ टू क्या है आपके सिलेबस में अभी ये नहीं है इलेवंथ क्लास में जब आप आ जाओगे तब मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा ठीक है इसको आप स्किप कर दें बस बाकी जो चीजें मैं बताई हैं वो आपको ध्यान देनी है ठीक है ना इसको स्किप कर दें ठीक है जी अच्छा अच्छा चलो जी चलो ये आगे चलते हैं लेक्चर खत्म होने वाला ठीक है ना फिलहाल फिलहाल हम बात करते हैं ठीक है थीके? अब मैं अगर आपसे पूछूं डिफ्यूजन मुझे कहां कहां देखने को मिला तो डिफ्यूजन मुझे दो ही जगह पर देखने को मिला है कौन कौन सी वो दो जगह वो दो जगह हैं एक तो एलवियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में ठीक है ना ब्लड वेसल्स के बीच में और एक देखने को मिला है ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के बीच में ठीक है ना ये ही दो जगह हैं जहां पर मुझे डिफ्यूजन की प्रोसेस देखने को मिली है तो डिफ्यूजन से ही गैस का क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है तब जाके एक बार ऑक्सीजन पहुंचता तो उसके लिए हमें किसी ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो इस काम को बहुत जल्दी कर दे और उसी सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ये सिस्टम क्या है ये मैं तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद पढ़ाऊंगा ठीक है ना इसकी वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आएगी कि कैसे कैसे चीजों को जल्दी जल्दी पहुंचाया जाता है जिसमें कि हमारा हार्ट हम पढ़ेंगे आर्टरी वेन सब कुछ पढ़ेंगे ठीक है ना फिलहाल फिलहाल आगे चलते हैं फटाख से और डिफरिंग की प्रोसेस कहाँ का होती है आपको पता चल गया है ठीक है ना हम्म आगे चलते हैं ठीक है ना हम्म लेक्चर में आगे पढ़ते हैं हाँ जी ये इंपॉर्टेंट केस है देखो भाई

अगर हम एलब्यूलर जो ये स्ट्रक्चर है इसको अगर मैं खोल दू पूरा तो कितना 80 मीटर अच्छा एक इंटरेस्टिंग केस जो मुझे बॉडी ठीक है कि ना ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर आया है वो किस वजह से आया है डिफ्यूजन से आया है और डिफ्यूजन कहाँ हुआ है ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रोसेस कहा हुई है एल्बुलाई और ब्लड वेसल के बीच में ठीक है ना इट इज एस्टिटेड इट वुल्री इयर्स तीन साल लग जाते एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने में कहां से कहां तक हमारे टोज और लंग्स के बीच में अगर मुझे अपने टकना टोस तो जानते टोस से लेकर अगर मुझे अपने लंग्स तक पहुंचाना होगा क्या ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तो उसमें तीन साल लग जाते अगर मैं सिर्फ कौन सी प्रोसेस का यूज करूं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं डिफ्यूजन का यूज करूं ठीक है ना तो सिर्फ डिफ्यूजन से ये सब नहीं हो पाता

हमारे पास एडवांटेज क्या है टेस्टियल ऑर्जन के पास में टेस्ट्रियल ऑर्जि के पास में एडवांटेज क्या है एक्वेटिक ऑर्जेंस के ऊपर मतलब एक्वेटिक ऑर्जन और टेस्ट्रियल ऑर्जन को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसके पास एडवांटेज क्या है क्या एडवांटेज है इसके पास तो एडवांटेज यही है कि ये जल्दी जल्दी मतलब प्रॉपर अगर ये दस सांस ले और ये सौ सांस ले तो बराबर सा रहता मतलब इसकी जो रहती है वो फास्ट रहती है की और इसकी जो हार्ट है वो स्लोअर रहती है ठीक है ना हमारे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमोस्फियर से लेने के लिए जबकि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत रहती है मतलब कमी सी रहती है क्योंकि ऑक्सीजन के पास कैसे मिलती है डिजोल्व फॉर्म में मिलती है ठीक है तो ये आप कंपेरिजन करके अपनी लैंग्वेज में बना के डाल सकते हैं ठीक है जी इसके बाद नेक्स्ट नेक्स क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ये ये है व्हाट आर डिफरेंट वेज इन इन इज टू प्रोवाइड एनर्जी वेरी अरे भाई तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तो है और ये आता भी है एग्जाम में ठीक है ना ये वाला बताना है तुम्हें यहाँ पर कि ये कौन कौन से वेज है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर और हम एनर्जी ले सकते हैं तो वो तीन प्रोसेस है कौन कौन सी एरोबिक एन फर्मेंटेशन ठीक है ना ये आपको बता देना है फिलहाल इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो अभी अभी जस्ट इसी के ऊपर तो मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया है तो ये तो बताया था मैंने कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो यहां पे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं इसके बारे में आपको बता देना है ठीक है ना अच्छा पूरा बताना है इसको खोल के बताना है ठीक है इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया कैसे कैसे हमारा एरिया बढ़ता है और एक्सचेंज ऑफ गैस हो पाता है अरे भाई अभी बताया था यहाँ बताया था कहा हाँ जी यहाँ पे तो बताया था कि कितना चालाक काम करता है हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है ठीक है ना तो मैंने बताया था ये चीज आपको बता दे नहीं उधर में ठीक है जी आई होप एनसीआर क्वेश्चन आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ठीक है ना इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो जाता है और मैं मिलता हूं आपसे परसों ठीक है और ये वीडियो रात को लेट इसलिए पोस्ट कर रहा हूं, क्योंकि घर में ना काम चला हुआ और फिर शो शराबा होता और मेरी माइक के साथ आपको और भी आवाजें सुनाई देती तो आप कंसेंट्रेशन नहीं कर पाते और आपको ही बुरा फील होता और मुझे भी आपको बुरा फील होगा तो मुझे भी बुरा फील होगा हम एक दुसरे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है जी अच्छा अब हम आगे क्या पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन और ये ये पढ़ेंगे हार्ट ठीक है ना हार्ट कैसे काम करता है और प्लांट के अंदर कैस कैसे कैसे चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती है पहुंच गई है ये चीजें मैं तुम्हें तो बताऊंगा ठीक है ना तो इसके लिए वीडियो में बने रहे और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो सपोर्ट करेंगे चैनल को और चैनल को सपोर्ट कैसे करते हैं वो तो आप जानते ही हैं ठीक है ना बस खत्म करते हैं लेक्चर और मिलते हैं आपसे परसों